कैसे भूल सकती हूँ? आप ही तो हमेशा कहती थी कि मैं लाइफ में कुछ भी बन सकती हूँ, पर मैं काम मिस इंडिया बनते बनते मदर इंडिया बन गई हूँ। ये लो मैम, तुम्हारे लिए नाचनी का आटा भी लेके आ गया। सो स्वीट ऑफ यू। वो तो मैं बचपन से हूँ। तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। मैं भी तुमसे बात नहीं कर रहा। हाँ मैम, सुमित। बस मैम, वही रूटीन चल रहा है। हाँ, कोई चैलेंजेस नहीं, कोई लाइफ ही नहीं मैम। मैं बहुत बोरिंग हो गई। काश मैं पहले जैसे आपसे एडवाइस ले सकती मैम। हाँ, आप दिल्ली आ रही हैं? ओह वाओ, हाँ प्लीज कॉल मी एनी टाइम, मैं तो फ्री हूँ बेकार हमेशा। ओके ओके मैम, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, कॉल मी। पता भी क्या किसका फोन था? तुम्हारे एक्सप्रेशन से तो लग रहा है प्राइम मिनिस्टर। ऑलमोस्ट, मेरी स्कूल की टीचर मिसेस माथुर, आई कांट बिलीव इट, वो दिल्ली आ रही है इसलिए मुझे फोन किया। कह रही थी मेरी फेवरेट क्लास मॉनिटर से तो मिलना ही पड़ेगा। हाउ स्वीट। यही तो फर्क है हम दोनों में माया, तुम हर साल क्लास में मॉनिटर बनती थी और मैं मुर्गा। पालिया के बच्चे हो जा कुकड़ू को। सॉरी मैम, सॉरी। मेरी आइडल थी माथुर मैम, हमेशा कहती थी माया तू जरूर कुछ हटके करेगी, बस अपनी राह की तलाश कर, तू दूर तक जाएगी। सच कहती थी, मुंबई टू दिल्ली 1500 किलोमीटर। उनका मतलब था लाइफ में कुछ बनूंगी। और मैं क्या बन गई? ग्रेटर कैलाश की लापता गृहिणी। जी मिसिंग पर्सन्स ब्यूरो। ओह, तुम्हारी टीचर दीदी मिसेस माथुर। हेलो, यस मिसेस माथुर, बोलिए ना। ओके, ओह नो 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 नो, नॉट एट ऑल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मिस, डेफिनेटली तो मिलते हैं। ओके बाय बाय। सुमित, मिसेस माथुर कल घर आ रही है चाय पे। तो मैं जा रहा हूँ कॉफी पे। है क्या? माया वो दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ एक इंटरव्यू है। नहीं सुमित, तुम बंक नहीं कर सकते। ओके, मिसेस माथुर तुम्हें भी मिलना चाहती है। मैंने कितना बड़ा चढ़ा के कहा है उन्हें तुम्हारे बारे में। माया तुम जानती हो टीचर्स और मेरा 36x2 72 का आंकड़ा है। नॉनसेंस, स्कूल में नहीं घर पे मिल रहे हैं। घर 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 पूरा घर ठीक करना पड़ेगा वरना मिसेस माथुर क्या कहेंगी। मुझे स्कूल में नीटनेस पे 10/10 देते थे वो। अच्छा सुमित, देखो मिसेस माथुर बहुत सवाल पूछती हैं, तुम सारे जवाब रेडी रखना। हाँ, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स, तुम्हारे गोल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चाहो तो आलिया की स्कूल यूनिफॉर्म भी पहन लूँ। बस ये मत करना, मिसेस माथुर बहुत ही सीरियस टाइप की है, उन्हें मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी तुम्हें इतना पसंद करती थी। क्या? कुछ नहीं। Now may I go to toilet, miss? के सब कुछ सेट है, फिल्म मैगजीन्स आउट और साइंस मैगजीन्स इन और ये टीवी। अरे टीवी कहाँ ले जा रही हो? टीवी सुमित, हॉल में टीवी है तो ऐसा लगेगा कि दिन भर टीवी देखते रहते हैं, और माथुर मैम टीवी देखने से टोकती थी इसलिए। सांस ले सकता हूँ क्या? माथुर मैम, सुमित इधर आ। कॉलर ठीक है? ओके। आलिया जूता पहनो जल्दी, ये लो। करेक्ट 3 बजे, काफी पंक्चुअल है टीचर जो है। सुमित प्लीज। क्या प्लीज? बस प्लीज। गुड आफ्टरनून माथुर मैम, सो गुड टू सी यू मैम, आप बिल्कुल वैसे की वैसी लग रही हैं। और तुम तो कम्प्लीटली बदल गई हो, ना वो चोटियाँ ना वो चश्मा। लुक एट यू, यू लुक सो नाइस। थैंक यू सो मच मैम। और ये है मेरे हस्बैंड। सुमित वालिया।
गुड मॉर्निंग टीचर. गुड आफ्टरनून यंग मैन. 3 बजे और घर पे हो? ऑफिस बैंक? नहीं, तबीयत थोड़ी सी खराब है आज. लेकिन मैंने होमवर्क किया है. That is quite funny. Maya, what a beautiful home you have. Thank you. कितना प्यारा घर है. Look at these two lollipops. Hello, young man. And hello, little lady. Alia. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Alia, चलो अपने कमरे में जाओ. Homework का time हो गया है. Ma'am, Bye. मैं बच्चों को टाइम टेबल फॉलो करवाती हूँ, जैसे आप सिखाती थी वैसे ही. So cute. So nice. आलिया, जाते वक्त टीचर से क्या कहेंगे? मैम, आप कब जाएंगी? गुड बाय मैम. गुड बाय जय. तो तुम स्पोर्ट्स रिपोर्टर हो? जी मैम. इस साल दिल्ली डेयरडेविल्स के चांसेस क्या लगते हैं? डोमिनी को फिर से कैप्टन बनाएंगे? वाओ, आपको क्रिकेट पसंद है? ऑफ कोर्स. मोनो, गेट के बाहर लंबी काली गाड़ी किसकी खड़ी है? हमारी गाड़ी कैसे निकलेगी? अब इनको हार्ट अटैक आ गया तो हॉस्पिटल कैसे भागेंगे बता. हाँ, हार्ट अटैक तो मेरे को ही आएगा ना, तेरे को तो पेसमेकर लगा हुआ है. मैम, मेरे पेरेंट्स. हेलो. हेलो. नमस्ते. नमस्ते. मैं माया की पुरानी टीचर हूँ. वो लंबी काली गाड़ी मेरी ही है. एक्चुअली मैंने अपनी भतीजी से बोरो की थी. अच्छा, बिल्कुल स्मगलर टाइप लग रही है. आप माया की टीचर हैं? बैठिए ना, बैठिए. थैंक यू. मुझे एक बात बताइए, माया को तो बचपन से जानती होंगी आप. जी हाँ. तो माया ऐसी क्यों है? कैसी क्यों है? मतलब पापा जी, आप गाड़ी की चाबी क्यों नहीं लेते? आप गाड़ी हटा दो ना. अबे गाड़ी तो हटती रहेगी, मैं तो नंदू हलवाई का स्कूटर देख के ऊपर आया हूँ. क्या मंगवाया है? मटर की कचौड़ी. अबे ये तो आलू की टिक्की की. रसगुल्ले. मैम, मम्मी जी पापा जी नीचे रहते हैं और हम ऊपर. ओ, तब तो आना जाना लगा ही रहता होगा. आना ज्यादा और जाना कम. बस बस, एक खा लिया ना, नीचे रखो. मम्मी जी पापा जी की डाइट पुलिस है. ये मेरे को क्या डाइटिंग कराएगी है? इसको तो पता ही नहीं चलता कि मैं कब क्या क्या खा जाता हूँ. अच्छा, मेरी वजह से ना नीचे 4 गुलाब जामुन रखे ना फ्रिज में, वो वैसे 4 के 4 है. वो तेरी वजह से थोड़ी ना है, वो तो 4 इसलिए है क्योंकि मैं उनका रस चूस के है ना वापस फ्रिज में रख देता हूँ. वो शर्म करो. तुम गरम करो कचौड़ियाँ. माइंड इज ब्लोइंग. आप खाएंगी? नो थैंक्स. बोले रस चूस के ना. और खाओ ना. फिर हॉस्पिटल में जाने के लिए ना गाड़ी नहीं निकलेगी, गेट से यहीं मरो. पापा जी, वो गुलाब जामुन वाली बात मजाक थी ना. क्या वगैरह? सुमित. पापा जी, मम्मी जी, आप लोग अब निकलो. चलो उठो उठो. अबे रसगुल्ले तो खाने दे. उठो उठो. वो आप लोग घर ले जाइए. अच्छा अच्छा, घर ले जाओ. किस काम के? चलो जा रहे हैं. जा रहे हैं. जा जा जाओ जाओ जाओ. हाँ भाई, वो काली लंबी गाड़ी DHLD 93 किसकी है? रॉन्ग पार्किंग. सर मेरी है, मैं अब भी निकालती. नहीं नहीं मैम, कोई जरूरत नहीं है. ये सुमित के बड़े भाई हैं, रजनीश भैया. सोनू, डंडा नीचे रख. ये ना माया की टीचर है. जय जय करो. जय जय. हमसे मिलने आई है. हमसे? ये ना मेरा बड़ा बेटा सोनू, स्कूल में बहुत होशियार था और असेंबली में ना वंदे मातरम क्या फर्र से गाता था. गा के दिखा बेटा. वंदे मातरम नहीं मम्मी जी,
नन्ना मुन्ना रायू देश का सिपाही हूँ वो गाता था। वो मैम की 6 बजे की फ्लाइट है तो टाइम बहुत कम है, तो आप सब जरा सुमित आप लोग कहाँ जा रहे हैं? इतना मजा आया इन लोगों से मिलके, प्लीज आइए ना, बैठिए ना। माया यू हैव सच अ क्यूट फैमिली। देखा मेरे को क्यूट बोला। सब लोग बहुत क्यूट हैं। थैंक यू सो मच मैम। एनीवे मैम आपको याद है आप हमेशा कहती थी कि मैं बड़ी होके कुछ हटके करूंगी, तो देखिए ना ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे मैंने एक ब्लॉग लिखा है पर्यावरण और प्रदूषण के लिए। बेटा ये आप क्या कर रहे हैं? जी मैं डाइट पे हूँ इसलिए मैं रसगुल्ले के 4 हिस्से करके उसके 2 हिस्से खा जाता हूँ। मैम ये देखिए ना बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, बहुत हटके है। वेट मैम आपने जो किया अभी वो क्या था? मैंने क्या किया? माया मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी फैमिली इतनी हटके होगी। हटके टोटली यूनिक। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर, तौर तरीके, आदतें सो अमेजिंग। बहुत मजा आया आप लोगों से मिलके। नाइस। और मुझसे? तुमसे? यू आर ऑलवेज अ गुड गर्ल। अबे वो आधा वेस्ट हो रहा है, मेरे को दे देना। नहीं 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 चला अरे माया वो पापा जी ने ना रसगुल्ले चूस। मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। मेरी फेवरेट टीचर मुझसे मिलने ऑल द वे आई, 2 घंटों तक यहाँ थी लेकिन पूरा टाइम तुम लोगों के साथ लगी रही। मैं तो जैसे कमरे में थी नहीं। थी, मैंने देखा था तुम्हें। माया क्लास में क्या होता है, टीचर हमेशा नॉटी बच्चों को ठीक करने में लग जाती है। आज बिल्कुल वैसा ही हुआ, लेकिन उसके वजह से अच्छे बच्चे इग्नोर क्यों फील कर रहे हैं? मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बोरिंग हूँ। हटके तो तुम्हारी फैमिली है। मेरी फैमिली हटके नहीं है, हटी हुई है। वन पीस है। मम्मी जी पापा जी लाउड है, रजनीश भैया थोड़े वो है, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर और मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, बोरिंग, गुड, नॉर्मल। काश मैं भी तुम लोगों की तरह हटी हुई होती। मतलब यू नो जैसे तुम लोगों की वो अजीब सी क्यूट सी आदतें जो नॉर्मल लोगों की नहीं होती, जैसे कि सॉरी थोड़ा बच गया था। जैसे कि ये बोल को चाटना, तुम लोगों से हो सकता है ये सब, मैं नहीं कर सकती। अरे किसने कहा कि तुमसे नहीं हो सकता? मैं ट्राई करके देखो। नहीं कम ऑन, ट्राई। अरे हटके होना बहुत आसान है, चलो चलो ट्राई करो, यू कैन डू इट। माया 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 कम ऑन। सोचो मत, ओके सोचो मत, जस्ट गो फॉर इट। या जस्ट गो, बहुत करीब हो तुम। जीप निकालो अब। यस ये मुझसे नहीं होता, मैं बोरिंग हूँ, है ना? थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। पर माया मैं और ये है आलिया का चॉकलेट मिल्क। ये क्या दूध में अंगूर, ये किसने सिखाया? खुद से लगता है, वालियाओं के खून में ही है ये सब। कैसी है माया? क्या खुशबू आ रही है, क्या बना रही है? भिंडी और मूंग की दाल। वाह, भिंडी और मूंग की दाल, कितना हटके है ना। जो मैं हर हफ्ते बनाती हूँ। बेटा तेरा हेयर स्टाइल तो आज बहुत ही कमाल है, मतलब एकदम हटके है।
पापा जी ये कलर्स हैं। अरे मेरा मतलब है कि पिंक कलर एकदम हटा हुआ रंग है। मेरा हो गया। अरे आलिया दूध तो खत्म करो। अंगूर वाला दूध? छी मामा। अरे आलिया आलिया। और देखो बच्चों को कैसे हैंडल करती है, अपना ही अंदाज है ना। और नेल पॉलिश जो कि मैंने लगाई नहीं है। हाँ बहुत ही नायाब है। नायाब? ओके फाइन, मैं समझ गई आप लोग क्या कर रहे हो। अरे कैसे नहीं समझेगी, कैसे दिमाग तेरा आरी जैसा तेज है ना। मम्मी जी मैं समझ गई, आप लोग मुझे बता रहे हो कि मैं कितनी खास हूँ, और ये आपसे किसने कहने को कहा है। तेरी वो दिमाग तेज वाली बात एकदम सही थी यार, आरी की तरह। वालियाओं का धावा। सब लोग मुझे एहसास दिला रहे हैं कि मैं कितनी कूल हूँ। अच्छा एक साथ आ गए लाइन से, एक एक करके भी तो आ सकते थे, जो ज्यादा असरदार और इतना ऑब्वियस नहीं होता। सुनो इस सब से तो मैं और भी कॉन्शियस हो रही हूँ। नहीं माया ऐसी बात नहीं है। तो क्या कहा आप लोगों ने? वही कहा जो तुमने सिखा के भेजा था, लेकिन माया ने कुछ अपनी लाइन बोली नहीं। और बनाया भी क्या, भिंडी और मूंग की दाल। हाँ ओके फाइन, मैं बोरिंग हूँ। नहीं माया तू बोरिंग नहीं है, तू ना बस वो क्या क्या है वो बोरिंग का हिंदी में तो मेरे को भी नहीं आता। मैं आप लोगों की तरह हटके नहीं हूँ। नहीं पर तेरी टीचर ने तो हमको क्वीट भी बोला था। ये सब ठीक कह रहे हैं, मैं बोरिंग हूँ क्योंकि मुझमें वो बात ही नहीं है, वो एक्स फैक्टर, हाँ वो हटके वाली, वो वन पीस वाली बात। माया क्या पका रही है? ओ पैकेट के मसाले। सिलबट्टी पे पिसने से तुम्हारे नाजुक हाथ जलने लगेंगे ना, इससे अच्छा तुम होटल से ही मंगवा लो, नंबर दूं। अबे ये तो डॉली की नकल है। नहीं 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 और भी है, रुको या फिर अबे क्या रखा इन बातों में, खुरपा ले ले हाथों में। अबे मूड बिगाड़, सेहत क्यों बिगाड़ रहा है? फ्रिज में पकौड़े हैं। लस्सी भी तो छाछ की डकार कहाँ से आए? लस्सी नहीं आ रही। नहीं वो डकार अच्छी कर रही है। या फिर दुनिया के लिए मैं कानून का रखवाला, लेकिन इस घर में मैं चाय वाला तक नहीं। सुमित ऐसा क्या है तेरे पास जो मेरे पास नहीं है? मेरी बात हो रही है? अब मेरी नकल करके दिखाओ, मेरी। क्या हुआ नहीं आती? भूलने की गोली आई होप। सरदर्द की। रिलैक्स माया, कल सुबह जाके मैं सबको सॉरी कह दूंगी। किस लिए? अरे सबको बुरा लगा होगा सुमित। अरे वो लोग तो अभी भी हंसे जा रहे हैं और तुम्हें लगा कि तुम बोरिंग हो। थोड़ी नकल उतारने से कुछ नहीं बदलता, मैं बोरिंग ही हूँ, नॉर्मल हूँ। माया नॉर्मल होना भी जरूरी होता है, अब नॉर्मल होने के लिए हम सब है ना। वो तो है, और इसलिए मैंने तुमसे शादी की, और इसीलिए तुम हटके हो। क्या? हटके नहीं हटी हुई, खिसकी हुई। तुम सबसे ज्यादा खिसकी हो। तुम मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो? नो आई मीन कोई भी नॉर्मल इंसान हम जैसे हटे हुए लोगों के साथ कैसे रह सकता है? तुमने हमें इतने साल कैसे बर्दाश्त किया? पता नहीं वही तो,
I mean, मैं तो चलो इन पागलों में ही पैदा हुआ हूँ, लेकिन तुम्हें किस पागल कुत्ते ने काट लिया? तुम हम सबसे ज्यादा हटी हुई हो। सच? तुम्हें लगता है ऐसा? एकदम गई हुई, बिल्कुल खिसकी हुई, बिल्कुल बिल्कुल टोटल गॉन केस। वन पीस? हाँ। शर्म आनी चाहिए था। Bum 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 b